हम हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। उसमें जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी पोटेशियम साइनाइड के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, ये सारी जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम का। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग जो न्यूक्लियस की तरफ मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला कौन होगा? नेगेटिव आयंस या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, लाइक क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऑल नेगेटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, जिनके पास एक लोन पेयर बचा रहता है बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शंस कैसे होती है ये देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह से होता है, बाय SN1 मैकेनिज्म एंड बाय SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर वन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन फॉर यूनिमोलिकुलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड एस फॉर क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सेम SN2 मैकेनिज्म में टू फॉर बायमोलिकुलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये इनके फुल फॉर्म हुए। अब एक एक को आगे डिस्क्राइब करते हैं। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन होती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड में, इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस कौन सी मैकेनिज्म से होंगी? SN1 मैकेनिज्म से। ये दो स्टेप में कंप्लीट होगी। इन स्टेप वन ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला ब्रेक होगा किसमें? पॉजिटिव आयन में, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोकेटायन। नेगेटिव आयन सेपरेट, इट इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इन सेकेंड स्टेप ये जो कार्बोकेटाइन बना न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन होगा और क्या दे देगा? प्रोडक्ट। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई। जो स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वन, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रिएक्शन को बोल रहे हैं SN1 रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल, स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, इसलिए SN1 मैकेनिज्म। सेकेंड यहाँ पर हम ले लिया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल है। दोनों में से एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ब्रोमाइड आयन सेपरेट हुआ, फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव आयन बना, ठीक है, सेकेंड स्टेप में उस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और क्या बन गया? प्रोडक्ट। ये हुई SN1 मैकेनिज्म। अब हम आते हैं SN2 मैकेनिज्म पर। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जितनी भी रिएक्शंस हैं SN2 मैकेनिज्म से होंगी, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे? एक ट्रांजिशन कंपाउंड जो ब्रेक होगा प्रोडक्ट में। स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू है, कौन से? जो हमने रेड पेन से लिखे हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, इसलिए रिएक्शन को कह रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। एग्जाम्पल देखो, यह है ब्रोमो मीथेन, तीनों हाइड्रोजन जहाँ अटैच हैं जिस पॉइंट पर, यह पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, OH आयन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को। ब्रोमो मीथेन कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन ए कंपाउंड और इंटरमीडिएट कंपाउंड, इट डिकम्पोज टू गिव मैथेनॉल। Br ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया किसने? हाइड्रोक्साइड ने। मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो गया किसमें? मैथेनॉल में। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो इस मैकेनिज्म से कंप्लीट होंगी। नाउ दोनों में डिफरेंस देखते हैं। SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में द रेट इज यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है रेट। SN2 में ये बायमोलिकुलर है, ठीक है।
एस एन वन टू स्टेप में कंप्लीट होती है, एस एन वन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप ओनली. ओके, ड्यूरिंग एस एन वन रिएक्शन कार्बोकेट आयन विल फॉर्म, पॉजिटिव आयन बनता है कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोकेट आयन. एंड वेयर इज इन एस एन टू रिएक्शन कार्बोकेट आयन इज नॉट फॉर्म, क्या फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट. ओके, ये हुआ डिफरेंस बिटवीन एस एन वन एंड एस एन टू. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.